एमपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिणामों का फाइनल सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 332 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस के फाइनल सर्वे में क्षेत्रीय दलों को 21 सीट दी गई है। साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिणामों का फाइनल सर्वे जारी कर दिया है। हालांकि अभी एक चरण बाकी है, लेकिन फिर भी सर्वे जारी कर रही है कांग्रेस, और इसमें कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जो है उसे 332 सीटें प्लस माइनस 5 ये बताया जा रहा है। बीजेपी गठबंधन उसको भी जो सीटों की संख्या है वो बताई गई है 196 प्लस माइनस 5, और क्षेत्रीय दल जो हैं उनको 21 सीटें बताई गई हैं प्लस माइनस 5, और 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है, ये लिखा है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, बहुत हैरान कर देने वाला ये पूरा सर्वे नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो एक चरण बाकी है, अभी तो वोटिंग होनी बाकी है, अभी तो केवल प्रचार की समाप्ति होनी है, और उसके पहले ही ये कांग्रेस का क्या ये अति आत्मविश्वास कहा जाए, और जब नतीजे आएंगे तो फिर इस ट्वीट का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अभी आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार आपसे कुछ देर बाद थमेगा और 1 तारीख को वोटिंग होनी, और उसके बाद जो है वो 4 तारीख की देर शाम तक नतीजे आने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस बेहद, जो आपने कहा, अति उत्साह में नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपना फाइनल सर्वे जो है सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया है और कहा है कि 232 जिसके आसपास जो सीटें हैं वो कांग्रेस जीतने जा रही है, जबकि बीजेपी गठबंधन ने लगभग 196 सीटों का जिक्र किया और अन्य दलों को 21 सीटें दी, और साफ तौर पर ये लिखा है कि 4 तारीख आ रही है और नई सरकार ला रही है। देखिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव का भी वो समय आपको याद होगा कि पीसीसी के बाहर जो है वो कई पोस्टर और बैनर लगा दिए गए थे और साफ उस पर लिखा था कि नई सरकार आ रही है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तमाम तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे जब नतीजे सुबह से आने शुरू हुए तो धीरे धीरे कर पोस्टर तो छोड़िए, कांग्रेस के लोग भी वो पीसीसी से गायब होते रहे थे। तो हालांकि अभी देखिए, आत्मविश्वास दिखाना अच्छी बात है, लेकिन अभी से इतना ज्यादा आत्मविश्वास, जो कि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो भी ये कहते हैं कि 12 से 14 सीटें जीत रहे हैं, यानी 2019 की बात करें या उसके पहले की बात करें, जो आंकड़े हैं उसके आधार पर जो अगर लोग बात करते हैं तो केवल आधी सीटें जीतने की बात करते हैं। तो ऐसे में बहुमत में सरकार की का दावा कांग्रेस इतनी जल्दी आकर कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस ने अभी इसे क्या कहा जाए। कांग्रेस कह रही है कि हम तो सत्ता में आ ही रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार कर लीजिए, लेकिन अभी से उन्होंने अपना फाइनल सर्वे जारी कर दिया है। देखिए, मंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस को, और इस प्रकार से ही भविष्यवाणी कांग्रेस ने की थी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, अवश्यम भावी, और जिस प्रकार के पोस्टर्स कमलनाथ के लिए लगाए थे वो हम सबके सामने हैं, और नतीजे क्या आए। अब जिस इंडिया अलायंस के साथ में कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों के दावे कर रही है वो है कहाँ पर? बंगाल में ममता दीदी गुर्रा रही हैं, दिल्ली में जिन केजरीवाल के साथ में है उन्हीं केजरीवाल को गाली देने का काम ये पंजाब के अंदर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से पहले ही इनका सूपड़ा साफ हो चुका है पिछले 2 टर्म्स में, इस बार भी कोई आशा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कांग्रेस ये कहने लगती और दावा करती कि राहुल गांधी जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, क्योंकि कहने के लिए तो लफाजी के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, तो बीजेपी की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है। बीजेपी भी क्या इसके बदले में कोई अपना फाइनल सर्वे जारी करने वाली है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा पहले दिया हुआ, और भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा जनता की ओर से आवाज निकल के आई है कि अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी अपने 400 के लक्ष्य को लेकर चल रही है, और एनडीए का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का वो 400 के लक्ष्य को पूर्ण करने जा रहा है। 370 वाली भी बात हुई थी, लेकिन वोटिंग तो उतनी हुई नहीं, हर बूथ पर 370 वोट हमको हासिल करना है, इसके परिपेक्ष में भी कुछ बातें होंगी क्या? नहीं, स्पष्ट दिखेगा आपको जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे कि जो वोटर्स निकले थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकले थे। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको मैं खुद जानती हूँ कांग्रेस पार्टी के, जो स्वयं वोट देने नहीं गए हैं,
और जनता तो पूछ रही है कि जैसे पिछली बार कई तमाम सारे मनीष तिवारी जैसे हो गए, उन्होंने खुद नहीं वोट दिया था, आप देखिए ट्रेंड कर रहा है कि आप मनीष तिवारी इस बार वोट देने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे, जो सांसद रहे, वो इतने हताश हैं कि स्वयं वोट देने नहीं जाते। आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस का वोटर ही नहीं निकला, कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता ही नहीं निकला, तो ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ उसका परिणाम था। पर एक तरफा वोटिंग जो है वो एनडीए के लिए हुई है, एक तरफ की वोटिंग एनडीए के लिए हुई है ये आप कह रही हैं। मिथुन अहिरवार साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मिथुन अहिरवार साहब, इतनी जल्दी क्या 4 तारीख का इंतजार कर लेते? आपने तो फाइनल सर्वे जारी कर दिया, प्लस माइनस 5 सब में बता दिया कि घटत बढ़त 5 की हो सकती है, ये आंकड़ा हमारा है, लेकिन पोस्टर तो आपने विधानसभा चुनाव में भी लगाए थे। जी, सारी चीजें हमने की थी, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव हार गए इसलिए हम प्रेडिक्शन करना, अपनी बात कहना, जनता हमारे समर्थन में इस बात को कहना और चुनाव लड़ना, ये सारी चीजें बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जान के बड़ी हैरत हुई, वो जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं क्योंकि गाड़ी चला पा रहा हूँ तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा एक सुखद आश्चर्य हुआ सुनकर के, कि भाजपा के लोग 370 प्लस वोट का नारा हर बूथ पर ये कांग्रेस के भरोसे लगा रहे थे कि साहब कांग्रेस पार्टी के अगर लोग निकलेंगे तो ये 370 प्लस हर बूथ पर वोट बढ़ाने का इनका फॉर्मूला फलीभूत होगा। सच्चाई जबकि ये है कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमें एक जमाने में आरएसएस की जरूरत थी, अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, भाजपा स्वयं सक्षम होने की वो बात कह रहे थे। जाहिर सी बात है वो इस बात को छुपाना चाहते हैं कि आरएसएस का मूल कार्यकर्ता आज घर पे बैठा हुआ है, या तो उसने वोट दिया नहीं, या उसने वोट की खिलाफत की, या उसने अपने लोगों को नहीं बुलाया, या वो चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, और जनता का भी कोई उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो जो वादे किए, जो जो दावे किए, उसको तो पूरा किया नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाने की जो बात कही, और भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर के ये कहा कि 400 बार का नारा संविधान बदलने के लिए है, तो इस कारण जो बहुजन समाज है, जो संविधान का रक्षक समाज है, उसने आगे बढ़ करके वोट किया है अपने बाबा साहब के दिए संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग घर बैठे हुए हैं इसी कारण। ठीक है, चलिए, ये एक आपने बड़ी बात मार्के की बात आपने